गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो ट्रिपल सी 10 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, तो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट सीरीज है स्टूडेंट। अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दिया गया है, वहां से आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। और स्टूडेंट, जो भी बच्चे ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ट्रिपल सी बहुत सारी क्लासेज मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जाकर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा आपके एग्जाम्स में। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और रेगुलर क्लासेज जो होती है इसमें हमारी रात के 8 बजे होती है, तो 8 बजे आप सभी को क्लासेज को ज्वाइन करना है। और ये जो 10 डेज का क्रैश कोर्स है इसमें 10 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप सभी को काफी हेल्प मिल सके इस क्लास से। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास से जुड़ना है और एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद लाइव चैट में क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्लास के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है क्योंकि स्टूडेंट ये जो क्लासेज है आप सभी के लिए ला रहे हैं और आप सभी को काफी बेनिफिट्स इस क्लास से मिलेगा ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आज क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस को हमने लिया है स्टूडेंट। 30 क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि 30 क्वेश्चंस में 30 का आपका आज का टारगेट रखना चाहिए, कि 30 में 30 आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस क्लास में हम ये देखेंगे कि आप 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो आप सभी बिना परेशानी के आप क्लासेज देखते रहिए, आपको 101% आपको हेल्प मिलेगा हमारे इस सीरीज से, क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो कंटेंट होता है वो जेन्युइन कंटेंट होता है। हम बहुत रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो बिना देरी करे हुए स्टूडेंट चलते हैं एग्जाम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है आपको बताना है। बताइए आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। और लाइव चैट में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना और बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ट्विटर, ट्विटर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तो बड़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि माइक वर्ड प्रोस टाइप पैड एक्सप्रेशन इंजन कैन कॉल ऑल बी यूज फॉर। वर्ड प्रेस टाइप पैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ब्लॉगिंग। तो जिस बच्चे ने और ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि पीपल हु राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग, ये व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी, सही बच्चों को लाइव चैट में जवाब देना है, सही जवाब का चयनित कीजिएगा आप सभी बच्चे। और आप सभी कंटिन्यूअस बने रहिए और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा इसमें। और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है ब्लॉगर। जो भी पीपल जो राइट कंटेंट लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉगर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीग्राम उदाहरण है किसका उदाहरण है आपको बताना है। टेलीग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीग्राम उदाहरण है किसका उदाहरण है बताइए। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेन, निम्न में पेन का एक उदाहरण है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेन, निम्न में पेन का एक उदाहरण है। बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी साथी इस क्लास से जुड़ सकें और उनका भी ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए हेल्प मिल सके इस क्लास से। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका
डिवाइस दैट आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स, ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताना आप सभी को। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्टनेस हो जाता है मॉडेम, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है, आपको बताना। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर जो ए है सर्चिंग है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सर्फिंग है, ऑप्शन में जो सी है वेब होस्टिंग है, ऑप्शन में जो डी है नॉन ऑफ दीज है, बताना आप सभी को कि सही ऑप्शन का चयनित करना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है वेब होस्टिंग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच ऑफ मैसेज इज ट्रांसमिटेड, निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है, बताइए आप सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है, बताना आप सभी को क्या होगा, सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों साथियों, बताना आप सभी को, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो है आपका प्रोटोकॉल हो जाता है, ऑप्शन में जो बी सिग्नल है, ऑप्शन नंबर सी जो मीडियम है, ऑप्शन में जो डी है पाथवे है, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है सिग्नल। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 9 टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है, क्या उदाहरण है आपको बताना है, बताइए आप सभी, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, बताना आप सभी को, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है सिंप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है बाय विच वन लैन कनेक्टेड टू अनदर लैन, एक लैन को दूसरी लैन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बताइए आप सभी, एक लैन को दूसरी लैन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है ब्रिज, ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट वर्किंग, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइए आप सभी, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है टीसीपी और आईपी का यूज किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस, आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है, आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तब रहा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTWL, HTWL का फुल पूरा नाम क्या है आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो हाइपर टेक्स्ट लेवल वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज वीआर मीन, वीआर का मतलब क्या होता है आपको बताना है, बताइए आप सभी VR का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है वर्चुअल रियलिटी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है IRCTC इज, IRCTC क्या है आपको बताना है, बताइए आप सभी IRCTC क्या है, बताना आप सभी को। प्लास्टिक मनी है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, या रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, या ई वैलेट है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है IRCTC, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच फाइल कैनॉट बी अपलोडेड टू डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं, बताना आप सभी को, डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं, बताना आप सभी बच्चों को।
तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है डॉट MP4 आप अपलोड नहीं कर सकते हैं इसमें, मतलब किसी सॉन्ग को आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, बताना आपको कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर एश्योरेंस जो होता है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए होता है, आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को आप डिजी लॉकर पे रख सकते हैं। ठीक है, बताइए आप सभी कि मैक्सिमम डिजी लॉकर पे आप कितने MB तक अपलोड कर सकते हैं, बताना आप सभी को, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 10 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 MB। ठीक है, अलग क्वेश्चन था, बड़ा इशू अलग क्वेश्चन है, व्हाट डज UTS मीन, UTS का क्या मतलब होता है, बताना आप सभी को UTS का क्या मतलब होता है, बताइए। अनरिजर्व ट्रैकिंग सिस्टम है या अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है या अनरिजर्व ट्रांसफर सिस्टम है या अनरिजर्व टिकटिंग शेड्यूल है, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, क्योंकि हम यहाँ से जनरल टिकट को कट कर सकते हैं UTS से, हमें काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं। UTS अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है तो आप जनरल टिकट कट करके आप यात्रा कर सकते हैं जनरल बोगी। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी और ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMEI, IMEI का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें जो ये IMEI होता है ना, ये हर फोन में या हर लैपटॉप में होता है, क्योंकि IMEI से हमें पता लगता है कि कौन से मोबाइल की सिक्योरिटी कहाँ पे है, ताकि हम उससे IMEI नंबर से ही मालूम चलता है कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है या एक्सपायरी डेट है या सारी चीजें जो भी जानकारियां होती हैं आपके IMEI नंबर से ही मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, देखिए इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है, जो कि हमें यहाँ से सारी आइडेंटिटी हमको मोबाइल के बेसिस पर मिल जाता है। मोबाइल की एक आइडेंटिटी होती है जिसमें हम IMEI नंबर से पता लगा सकते हैं कि मोबाइल कहाँ पर है, क्या चीज़ है, सारी जानकारियाँ हमें IMEI नंबर से मिल जाती है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था बड़ा स्टूडेंट, FTP हेल्प्स यूजर्स टू ट्रांसफर फाइल, FTP फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूजर्स को मदद करता है, बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर 21 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि FTP हेल्प्स यूजर्स टू ट्रांसफर फाइल, बताइए FTP हेल्प सहायता से क्या हम ट्रांसफर फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, बताना आप सभी को। तो ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फायरवॉल इज अ डिफेंसिव टेक्निक बाय विच हैकर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम, फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम में बाहर रखा जाता है, बताना आप सभी को। लाइव चैट में क्वेश्चंस का जवाब देते रहिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और लास्ट में आपसे मैं ये पूछूंगा कि 30 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, तो आप सभी कंटिन्यूअस लाइव चैट में जवाब देते रहिए और बताइए क्वेश्चन को पहले समझिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी को सही ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, बताइए आप सभी, क्वेश्चन कह रहा है कि फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखा जाता है, बताइए आप सभी, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ स्पेसिफिक IP एड्रेस, इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू, तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि याहू इज अ सर्च इंजन, याहू एक सर्च इंजन है क्या, बताना आप सभी को, बताइए। तो याहू एक सर्च इंजन है, बिल्कुल एश्योर, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन तब एश्योर, अगला क्वेश्चन है गोल्ड लोन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड, गोल्ड लोन सोना रखने के लिए बदले ऋण लेने की प्रक्रिया होती है क्या, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एन एक्सीडेंट एंड सेलिंग इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है क्या, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल है, इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ट्रू।
अगला क्वेश्चन है कि एनईएफटी एंड आरटीजीएस आर द सेम, एनईएफटी और आरटीजीएस एक समान है क्या? ये तो ये जो स्टेटमेंट है अश्विन वो गलत है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि बी मैप इज नेम टू महात्मा गांधी, बी मैप महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है क्या? बताना आप सभी को, तो बिल्कुल गलत है अश्विन, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि कैन कोड कंप्यूटिंग बी प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है क्या? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि डज आईपीएस नॉट रिक्वायर एन ओटीपी और पिन फॉर वेरिफिकेशन, सत्यापन के लिए आईपीएस को किसी ओटीपी या पिन की आवश्यकता नहीं। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने कर किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आप पहली बार क्लास ज्वाइन किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। अगर आप आज से क्लासेज हमारे देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस क्लास देख लेना चाहिए, प्रीवियस क्लास हमने जो भी कराया है उसको आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप लिंक से देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रीवियस क्लासेज से। तो एक भी क्लासेज को मिस नहीं करना है। और दूसरा तरीका है इसमें आप प्लेलिस्ट पे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में ट्रिपल ग्रेडर बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि हमने ट्रिपल ग्रेडर ही करा रखा है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। इसमें मेरा सजेशन यही रहता है इसमें कि ट्रिपल सी का जो आप कोर्स कर रहे हैं आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि आपको प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन क्लासेस लिया है तो वो भी आपके जो प्लेलिस्ट है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आपका ट्रिपल सी मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है 100, वैसे ही 100 क्वेश्चंस का आपको मॉडल पेपर हमने करा रखा है। वहाँ जाइए प्रैक्टिस कीजिए और आपने आपके देखिए कि हम कितने क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए तभी आप ट्रिपल सी में पास आउट आप हो पाते हैं, ठीक है। और ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के नाम से आपका प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, ट्रिपल सी सितंबर करके एक प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आप इतना फॉलोअप करते हैं तो 101% आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत अच्छे से आप पास आउट हो सकेंगे, ठीक है। इतना आप फॉलोअप कीजिए और रेगुलर क्लासेज हमारी ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमें कंटेक्ट कीजिए, आपको हम सहायता जरूर करेंगे क्योंकि हम आपके लिए ही हैं और आपके लिए हम क्लासेज लाते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो थोड़ा मोटिवेट हमें मिलता है, उस मोटिवेट से हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्लासेज लाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च के बेसिस पे आपको क्लासेज कराते हैं ताकि आपको 101% आपको एग्जाम में हेल्प मिले। और जितने भी हमने क्लासेज करा रखा है अभी तक इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्रिपल सी एग्जाम में पास हुए हैं, काफ़ी उनको हेल्प मिली है इन क्लासों से, तो आपको भी 101% आपको हेल्प मिलेगा इन सभी क्लासेज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।